जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, ठीक है। जिसने कुरान पढ़ा उसको भी सवाब, जिसने पढ़ाया उसको भी सवाब। आप ये ना समझें कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज है, ये तीन लफ्ज और 30 ने किए, यानी कि 10 ने एक लफ्ज कुरान पाक का पढ़े तो 10 ने किए मिलती है ना, तो यहाँ पर 30 ने किए मिलती है, ठीक है। तो अगर कोई अड़ के पढ़े या अटक के पढ़े तो उसका दोहरा सवाब है। ये ना कहें कि हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, हमें ठीक तरह से नहीं आता, कोशिश करें इंशाल्लाह उसका दोहरा सवाब आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। एक दफा ये जरूर जो है अहदीस लोगों तक पहुंच जाए, ताकि जो लोग कुरान नहीं पढ़ सकते या कुरान पढ़ते हुए उन्हें परेशानी होती है या कोई मसला होता है तो ज़रूर उनकी जो परेशानी ख़त्म होगी। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ बहुत प्यारा है, आप यकीन माने कि कितनी भी परेशानी हो, तकलीफ है, दुख है, कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, ये वजीफा ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपके जितना भी मसला, जितनी भी परेशानी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। 3 दिन में आपकी हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी आपकी हल हो जाएगी। आप यकीन माने कि ये वजीफा आप करते चले जाएं और आपकी मुश्किल आसान हो जाए। छोटा सा वजीफा है, कोई इसमें आपको मैं नफल नहीं कहूंगी, कोई मैं आपको इसको ये नहीं कहूंगी कि आप कोई सजदे में जाकर कोई दुआ करें, सिर्फ बैठे हुए बैठे हैं बैठे कर लें, लेटे हैं लेट के कर लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है ये वजीफा करें। इंशाल्लाह एक बार का ये वजीफा है जो आपकी जितनी भी परेशानियां दुख तकलीफें हैं जो हल कर देगा। सिर्फ एक बार करने से हाजत, हर किस्म का मकसद आपका पूरा होगा, और सिर्फ एक दिन का अमल है, ये जरूर करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, आयत करीमा है ये, आप ये पढ़ें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका एक दफा पढ़ने से ही आपको दिल को सुकून आएगा। और अगर आप इसको 11 मरतबा पढ़ते हैं, सिर्फ 11 मरतबा, तो यकीन माने जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मुश्किल है, बड़ी से बड़ी परेशानी है, बड़ी से बड़ी तकलीफ है आपको, तो ये जरूर पढ़े, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कोई परेशान हाल है, कोई बीमार है, जो कहता है कि कर्ज की तंगी है, जो कहता है रिस्क की तंगी है, रिस्क नहीं आता, आपके घर में किसी किस्म की परेशानी है, कारोबार बंदिश है, किसी किस्म का मसला है, ये जो है वजीफा लाजम करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हर मुश्किल आसान होगी और हर हाजत पूरी होगी, और इंशाल्लाह ये वजीफा आप किसी भी टाइम किसी भी हाजत के वक्त आप कर सकते हैं। यकीन माने कि अगर एक पहले दिन ये वजीफा करते हैं तो अगर आपकी हाजत पड़ी है तो फिर दूसरे दिन भी करें, तीसरे दिन इंशाल्लाह आपकी दुआ भी नहीं पूरी होगी और आपका मसला हल हो जाएगा। एक दफा जरूर आजमाएं, एक बार अपनी इस बहन के कहने पर जरूर आजमाएं। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखियेगा, अगर कोई मसला है, परेशानी है तो अपनी बहन से शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी बहन ये जरूर आपकी मदद करेगी।